कांकेर की बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, कांकेर पुलिस ने नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया है। सुबह 7 से 8 के बीच नक्सली मुठभेड़ हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली भाग गए हैं। अंतागढ़ क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। मुन्नार के जंगल में मुठभेड़ हुआ है। तो ताड़ोकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया है पुलिस ने कांकेर में, और 7 से 8 बजे के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई थी। जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग गए। किम नारायण हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। किम, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, अब तक क्या कार्रवाई की गई इसमें? जी देखिए, कांकेर के जंगलों में जिस प्रकार से पुलिस बल के जवान जो है सुरक्षा का कमान संभाले हुए हैं, आज सुबह जो है सर्चिंग के दौरान जो है मुन्नार के जंगल में पुलिस बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ दिया है। और अभी जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, तो जिस प्रकार से नक्सली जो है चुनाव में बाधा पहुंचाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं और उनको जो है खदेड़ने के लिए जो है सुरक्षा बल के जवान लगातार जो है जंगलों में सर्चिंग लगाए हुए हैं, और आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच जो है नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस बल को भारी देखते हुए नक्सली भाग निकले हैं और वहां पर अभी सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आज निमाड़ में वो चुनाव